हाय फ्रेंड्स, ललिता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही पनीर की मस्त व स्वादिष्ट सब्जी, जिसके लिए हमने खड़े मसालों में लिया है 3 इलायची छोटी, थोड़ा सा जीरा, 5 काली मिर्च, 4 लौंग, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा हींग पाउडर। इसके लिए हमने एक छोटा चम्मच है वो हल्दी पाउडर लिया है, एक छोटा चम्मच नमक लिया है, 1.5 छोटे चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है वो लिया है, जिसके लिए हमने लगभग 150 ml जो दूध है वो लिया है, शुद्ध लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको हमने 2 टमाटर, 2 प्याज और हरी मिर्च को साथ में पेस्ट के रूप में बना लिया है। इसमें हमने 10 काजू है वो भी ऐड किए हैं। इसके अलावा हमने फ्रेश मलाई है उसको काम में लिया है, लगभग ये 100 ml के लगभग जो मलाई है वो है। 200 ग्राम हमने जो पनीर है वो लिया है, छोटे छोटे क्यूब में इसको हमने काट लिया है। लगभग 100 ml हमने जो दही है वो काम में लिया है। इन चीज़ों की हमें आवश्यकता है वो शाही पनीर में पड़ेगी। इसके अलावा हमने जो किचन किंग है वो भी आधा चम्मच है वो हम काम में लेंगे। ये इन सामान के अलावा आपको 1.5 चम्मच है वो तेल की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम कढ़ाई को लो फ्लेम में गैस के ऊपर रखते हैं और लगभग जो 1.5 चम्मच है तेल का यूज करते हैं। देखिएगा, हम जो घी है उसका भी काम में इसको ले सकते हैं, परंतु मैंने जो सोयाबीन का तेल है शुद्ध रिफाइंड वो काम में हो लिया है। अब तेल को गर्म होने देंगे। हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। जो खड़े मसाले हमने लिए थे, लौंग और जो जीरा और इलायची, वो इसमें हम डालेंगे। मैंने अजवाइन और हींग को भी लिया है ताकि इसका टेस्ट है वो अलग ही अच्छा से वो आ सके। अब इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे ताकि जो तेल हमारा है फुल एकदम गर्म हो सके। अब इसमें हमने जो टमाटर, प्याज और जो काजू और हरी मिर्च का जो पेस्ट लिया था वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। टमाटर को हम अलग भी डाल सकते हैं, परंतु मैंने साथ में ही इसको अच्छी तरह से मिलाया है ताकि जो अच्छी तरह से जो टमाटर है उसकी सिकंद हो सके और टेस्ट हमारा लाजवाब है वो बन सके। ये देखिए, 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम में हम इसे ग्रेवी के रूप में या अच्छी तरह से पकाएंगे। अब देखिए, जो हमारा मसाला है वो थोड़ा सा, जो टमाटर प्याज हमने डाले थे वो सिक चुके हैं अच्छी तरह से, तेल सरफेस पे आने लगा है। अब इसमें जो हमने लहसुन का जो पेस्ट लिया था वो इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। इसका रंग है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब हमने सारे मसालों को, मिर्च, नमक, हल्दी सबको मिला लिया है और एक साथ इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। अब देखिए, जो सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, इसमें हम जो हमने दही लिया था वो इसमें हम डालेंगे। ये देखिए, दही हमने डाल दिया है और अच्छी तरह से ऐड करेंगे इसको, 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब दही डालने के बाद जो हमारा मसाला है थोड़ा लिक्विड रूप में तैयार हो गया है। इसमें जो हमने मलाई ली थी फ्रेश मलाई, अब इसमें हम डालेंगे। ये देखिए, मैंने फ्रेश मलाई का प्रयोग किया है, आप चाहें तो क्रीम का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये जो सब्जी है वो शाही पनीर नाम से ही, जैसे आपको लग रहा है, तो इसमें सारी जो शाही चीज़ें हैं वो आप डाल सकते हैं। शाही चीज़ों में हमने काजू डाले हैं, दूध डालेंगे हम अभी, दही डाला है, मलाई डाली है। ये देखिए, अच्छी तरह से हम मिक्सअप करेंगे 2-4 मिनट के लिए। ये देखिए, जो मसाले हमने जो भी डाले थे वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो चुके हैं। अब इसमें जो हमने पनीर काटा था क्यूब के रूप में वो इसमें हम डालेंगे। हमने 200 ग्राम जो पनीर है वो लिया था। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये देखिए, पनीर को अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे सब्जी में। ये देखिए, जो मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं और जो तेल हमारा था वो सरफेस पे आ चुका है। ये देखिए, दिखने में कितनी अच्छी और स्वादिष्ट सब्जी लगेगी, एक बार करके जरूर ट्राई करें। शाही पनीर की सब्जी काफ़ी अच्छी बनती है, आप ज़रूर बनाएं, इसी तरीके से बनाने का प्रयास करें और आपको बहुत अच्छी लगेगी।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए जो हमारे मसाले से पक चुके हैं, इसमें हम जो दूध लिया था हमने वो डालेंगे। ये देखिए हमने दूध है वो उसका प्रयोग किया है, कम ही दूध डालेंगे हम इसमें क्योंकि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी तैयार हो चुकी है। और ये दूध डाला जाता है वो ग्रेवी के लिए ही डाला जाता है, इसे अच्छी प्रकार से मिलाएं, मेरे दूध के फटने की संभावना है वो रहेगी। ये देखिए कितनी अच्छी और लाजवाब सब्जी आपके सामने है, अच्छी तरह से मिक्सअप। अब इसमें थोड़ा सा जो गरम मसाला है हम डालेंगे किचन किंग, जिससे इसका जो जायका है वो अलग ही हो जाएगा और स्वादिष्ट सब्जी है उसमें खुशबू भी अच्छी आने लगेगी, टेस्ट भी लाजवाब लगेगा आपको। ये देखिए कितनी अच्छी और ग्रेवीदार सब्जी आपके सामने है। ये देखिए लाजवाब जो शाही पनीर की सब्जी है आपके सामने, ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है। एक बार जरूर ट्राई करें आप घर पे, आपको जरूर पसंद आएगा ये जो रेसिपी है वो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।